पूरी बॉडी को ट्रेन करने के मैथड को क्योंकि अब जो है लोगों ने तो यार अपनी बॉडी को ग्रूम अप कर लिया होगा और विदाउट जिम विदाउट किसी मशीन के बॉडी को हम फिट कर पाते बट अब क्या कि जो बंदे जिम जाते हैं जिनको कंफ्यूजन होता है कि जिम में हमें कौन सी एक्सरसाइज कैसी होनी है तो उसको हमने कर लिया इसको हमें ध्यान रखना ठीक है। तो खास में तो ये मेरे वीडियो की खास बात ये है कि इसमें जो है हम मेरा जो मेजर टॉपिक होगा वो चेस्ट वर्कआउट को लेकर ठीक है। तो पहले तो हम ये जानेंगे हमारे चेस्ट में मसल्स कौन कौन से जिनको कि हमें ट्रेन करना है। पहला जो हमारा मसल है वो है पेक्टोरलिस मेजर फिर है पेक्टोरलिस माइनर और जो है सेरेटस मेजर इन तीनों मसल जो मेजर मसल्स हैं इनके हमें इतना वर्क करना है और इसको जब हम ट्रेन करेंगे तो हमें जो एक ब्रॉडर चेस्ट मिलेगा और एक अच्छी हम फिजिक मेंटेन कर पाएंगे क्योंकि बॉडी का जो हमारा फर्स्ट लुक जो आता है वो आपका आता है आपके चेस्ट से। अगर आपका चेस्ट बहुत पतला है आपका बाइसेप्स बहुत बड़ा है तो वो भी नहीं सही जाएगा आपका ना शोल्डर थ्रीडी लुक में आ पाएगा ना। तो आज चलो हम आपको दिखाते हैं कि चेस्ट का पहला वर्कआउट मेरा कौन सा है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चेस्ट प्रेस ठीक। तो अब जो है आप देख रहे हो कि ये चेस्ट प्रेस मशीन है और इसमें मैंने अप्रोक्स 7.5 kg वेट इस साइड लगाया है ठीक है। तो अब जो है इसको पकड़ने का तरीका बता रहा हूँ कि ये जो आपका रॉड है आप उस पे लेट जाओ और जो बॉडी मीन्स वन हमको बीच में रखो ये जो आपका मार्किंग है और एक मीन्स ब्रॉड हैंड पकड़ो और फिर जो इसको अपर डायरेक्शन में आपको पुश करना है ठीक है। और ये जो आपका है प्रॉपर पोजिशन अब आप स्टार्ट कर रहे हैं इसको आपको क्या करना है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ला के आपको बिल्कुल चेस्ट के निपल्स के ऊपर जो आपका चेस्ट पोर्शन है वहाँ पर आपको टच करना है और फिर उसको वापस ऊपर की तरफ ले जाना है। यह इस एक्सरसाइज को जो है हमें कम से कम 12 रेपिटेशन का सेट से करना है फॉर्म का ठीक है। देखो जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो ये जो मेरा था ये मैंने करा आपको सेटेड चेस्ट है ठीक है। और जो इसके इसका हमें जो है 3 सेट करना है 10, 12, 10 और 8 की रेपिटेशन। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका है इंक्लाइन का ठीक है। जब आप इंक्लाइन मशीन में जो मेरा अगला ये एक्सरसाइज होगा वो आपको होगा इंक्लाइन चेस्ट प्रेस ठीक है। इसमें क्या करना है आपको बॉडी को बिल्कुल मशीन के आप सेट करो और अपने बार को बिल्कुल थोड़े जैसे पहले ग्रिपिंग करी थी बिल्कुल वैसे ही रखना है। आपने थंब डिस्टेंस एक पूरे थंब का जो साइज है और ये जो मार्किंग है इसके बीच में आपको डिस्टेंस बनाना है ठीक है। और फिर जो है इसको अपर डायरेक्शन में पुश करके और जो है आप अपने बॉडी के अगेंस्ट मीन्स नीचे की तरफ बिल्कुल आप लेके आओ अपने चेस्ट के पास ठीक है। और फिर इसको अपर डायरेक्शन में पुल करो। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि इसका जो मूवमेंट है वो बैलेंस नहीं था हमारा हाथ पीछे जाएगा आगे जाएगा बहुत सारी प्रॉब्लम। एक जो ट्रिक है इसको ध्यान में रखने का कि आप रॉड को फोकस करो ठीक है। जब आपका माइंड कंसंट्रेट करेगा तो आपका मसल कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा ठीक है। और माइंड मसल जो कंसंट्रेशन बनेगा उससे आपका क्या है कि हाथ में डिस्टर्बेंस होगा। तो आप बिल्कुल रॉड को देखते रहो फिर इसको जैसे नीचे आए तो आप इसको देखो फिर ऊपर की तरफ पुश करो पूरे एनर्जी के साथ। हमें क्या करना है कि हमें बिल्कुल टाइट ग्रिपिंग करनी है इसकी और फिर इसको बिल्कुल नीचे की तरफ लेके आना ठीक है। और चेस्ट पे हमें देखना कि हमें देखो इसको बिल्कुल ऊपर की तरफ इसको हाथ को बिल्कुल फैलाते हुए तब एक्सरसाइज इसको कम्प्लीट करना। इसका जो है हमें 10 सेट्स अब इसमें 12 सेट्स पहले करेंगे मीन्स नंबर ऑफ सेट्स बिल्कुल सेम रहेगा जैसे कि पहले होता था ठीक है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ठीक है। तो अब ये जो हमारा हो गया ये हमारे दो मेजर मसल्स को हिट कर चुका है ठीक है। लोअर चेस्ट का जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग लेग्स के डे करेंगे ताकि हमारा जो कंप्लीट एनर्जी है वो हमारे अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट पे काम हम कर सके ठीक है। अब इसको क्या है कि अब डंबल्स के साथ सेम एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। जैसा कि मान लीजिए आपका 10 kg का डंबल है और जो है इसको आप
इसी मशीन में फिर से वापस ले, ठीक है, और इसको आप चेस्ट से आप करने की कोशिश करो, ठीक है। दोनों हाथ में आप सेम वेट का डंबल रखना है, आपको आपको ये देखना है कि ये जो आपका हाथ का पोजीशन है वो बिल्कुल नीचे की डायरेक्शन में ना है और ना ही बिल्कुल ऊपर रहे। एक जो फिटेड पोजीशन आता है यहाँ, आपको खुद फील होगा अपने चेस्ट में कि हिट कर रहा है मेरा मसल, और इसको अपर डायरेक्शन में पुश कर रहा है, आप इसको लड़ाते मत करो, ठीक है। इसी के अंदर डिस्टर्बेंस होता है, कोई फायदा नहीं होता। फिर आप इसको नीचे की तरफ ले जाओ, फिर अपर डायरेक्शन में मोड़, ठीक है। तो जो ये एक्सरसाइज है, इससे क्या हो रहा है कि आपका चेस्ट बहुत सही से ट्रेन होगा, ठीक है। इसका भी आपको 12 रेपिटेशन करना है, ठीक है। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर से इंक्लाइन पोजीशन में हमें इसको परफॉर्म करना है, ठीक है। सेम मेथड है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि इसको फिर से ऊपर की तरफ मूव करें, आपको नीचे, बस हमें हाथ का पोजीशन देखना है, जब हमारा हाथ नीचे तो बिल्कुल नीचे ना जाए, वो यहाँ पे आके रुक जाए, फिर ऊपर की तरफ इसे पुश करना है, ठीक है। जो मेन ध्यान देना है कि हमारा हाथ बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब जो है एक जो लास्ट वर्कआउट आपके लिए होगा वो होगा पुल ओवर। पुल ओवर को कैसे परफॉर्म करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पुल ओवर का एक्सरसाइज है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक बेंच का जरूरत पड़ेगा और एक डंबल। जो हमारा चेस्ट है देखो क्या करना है, इसका पोजिशन बहुत ध्यान रखना, पहले तो हमारा पेल्विक रीजन वो बिल्कुल ऊपर की तरफ स्ट्रेट रहेगा, और जो दूसरा जो हमारा चेस्ट है ना वो बेंच के बाहर नहीं जाए, वो बिल्कुल अंदर ही रखते हैं, ठीक है। तो आप मेरा शोल्डर का पोजीशन देख लो, ये बिल्कुल यहाँ पे है और गर्दन इससे बाहर नहीं होती। अब आप डंबल्स को उठाओ अपवर्ड डायरेक्शन में और बिल्कुल होल्ड करो अपने चेस्ट के पास, ठीक है। आपका चेस्ट बिल्कुल स्क्वीज करेगा और इसको लेके जाओ बिल्कुल पीछे के तरफ, ठीक है। जितना नीचे आप लेके जाते हो उतना आपको लेके जाओ, फिर वापस अपवर्ड डायरेक्शन को मूवमेंट करना, फिर यहाँ ले जाके रोको, फिर पीछे के साइड। इसका भी आपको जो है रेपिटेशन करना है 3 सेकंड, ठीक है। देखो 3, 4, 5, 6, 7 10 घंटे तक एक्सरसाइज करता है उसका, तो वो उसमें स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ जो एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस का
भी कोई दवा मिलता है इसमें बढ़ाने का, जैसे जैसे आपकी पावर इंक्रीज होती जाएगी, आपका वर्क पीरियड बढ़ता जाएगा, तो साथ साथ में आपका स्ट्रेंथ भी डेवलप होता है। फिर जो और मीन्स जो दुबले लोग हैं, जो पत्ते जितना भी वर्कआउट चल रहा है वो आप अब स्टार्ट करो, आप जिम ज्वाइन करो कहीं पर, और पहले ऐसे इसी फॉर्म से आप स्टार्ट करना। और जिन लोगों के पास नहीं है ये ऑप्शन, वो मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, और उसमें जो है आप विदाउट जिम इक्विपमेंट आप कैसे बॉडी को ट्रेन करना ये आप उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर दें, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कर दें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो बाय बाय बनेगा। ठीक है, अगर आप